देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि डीएनए मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एसिडिक नेचर के हैं, इसलिए डीएनए मॉलिक्यूल क्या होता है, ऋणावेशित होता है, निगेटिवली चार्ज होते हैं। जबकि किसी भी कोशिका की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें लिपिड पाया जाता है जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। तो किसी भी कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड होते हैं वो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, यानी कि जल विरोधी होते हैं, जलरागी होते हैं। जबकि डीएनए मॉलिक्यूल है वह पोलर है, अर्थात ध्रुवीय है और ऋणावेशित है, निगेटिवली चार्ज्ड है और हाइड्रोफिलिक होता है। तो नेचर ऑफ डीएनए एंड द नेचर ऑफ लिपिड लेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इररिलेवेंट टू ईच अदर। डीएनए मॉलिक्यूल और वो लिपिड की जो लेयर है वो आपस में एक दूसरे के समान नहीं है, इररिलेवेंट है। इसलिए डीएनए स्वतः किसी कोशिका में एंट्री नहीं कर पाता है। डीएनए इज इटसेल्फ अनेबल टू एंटर इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू ए सेल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकॉज डीएनए इज द पोलर मॉलिक्यूल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन द लिपिड बायलेयर ऑफ ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द हाइड्रोफोबिक। दैट्स व्हाई डीएनए इज अनेबल टू एंटर इनटू ए सेल इटसेल्फ, अपने आप एंट्री नहीं कर सकता है। उसमें एंट्री कराने के लिए हमारे पास में कुछ साधन होना चाहिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट या कुछ डिवाइस की हेल्प से हम किसी भी जीन को ट्रांसफर करा सकते हैं। जीन का ट्रांसफर कराना आता है ना, इसीलिए इसका नाम क्या है, देखिए मेथड का नाम क्या है, जीन गन मेथड या बायोलिस्टिक गन कहते हैं, बम्बार्डमेंट मेथड कहते हैं। क्या होते हैं समझते हैं, सिंपल लैंग्वेज में कहें जीन गन मेथड। गन का काम क्या होता है, आपके पास में एक गन है, उस गन को लिया और आपने किया फायर। फायर करने से उस गन से एक निकलती है बुलेट, और वो बुलेट क्या करती है कि जो सामने खड़ा हुआ है उसके शरीर के अंदर एंट्री कर जाती है। जहां पे आप निशाना लगाएंगे वहां पर वो जीन एंट्री कर जाती है, वो बुलेट एंट्री कर जाती है। ये ऐसा ही मेथड होता है जैसे कि गन होती है, वैसा ही मेथड है। यहां पे जो गन है उसका नाम है जीन गन है, ये बुलेट को फायर नहीं कर रही, एक जीन को कर रही है। बुलेट क्या है, बुलेट तो होगी ना, वरना फायर कैसे होगा गन से। तो यहां पे बुलेट के रूप में स्मॉल पार्टिकल होते हैं, गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल्स होते हैं। कहीं आपने टॉयज गन देखी है, बच्चों की टॉय गन आती है, उसमें छोटे छोटे गोल बुलेट्स देते हैं जिसको फायर करते हैं। तो यहां पर जो जीन गन होती है उसमें आपको फायर करना है और वहां बुलेट के क्या होगा, इन प्लेस ऑफ द बुलेट द टंगस्टन एंड द गोल्ड पार्टिकल्स आर यूज्ड। तो जब किसी सेल पे आप क्या करेंगे, जीन गन से फायर करेंगे तो गोल्ड और टंगस्टन के फिलहाल जो पार्टिकल्स है वो बाहर निकलेंगे और उस सेल के अंदर एंट्री कर जाएंगे। तो आपका काम क्या है, आपका एक सिंपल सा काम हो गया टेक्निकली। इसकी जो बुलेट है यानी कि टंगस्टन गोल्ड का जो बुलेट है उसके ऊपर, उस पार्टिकल के ऊपर डीएनए लगा दो, ठीक है ना। टंगस्टन या गोल्ड के जो पार्टिकल्स है उसके ऊपर डीएनए को अटैच्ड कर दें और उसके बाद जो फायर करेंगे तो वो बुलेट कहाँ जाएगी, वो टंगस्टन का फिलामेंट जाएगा सेल के अंदर और उसके साथ साथ में कौन पहुंच जाता है, वो जीन पहुंच जाएगी। इसीलिए इस मेथड का नाम क्या पड़ा हुआ है, जीन गन कहते हैं। बायोलिस्टिक गन नहीं है, मिसाइल नहीं है, बायोलिस्टिक गन है, बायो में इसको काम में आ रहा है। और एक और इसका क्या नाम रखा है, माइक्रो प्रोपेगेटाइल या कहते हैं माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बार्डमेंट बम्बारी। माइक्रो सूक्ष्म आकार के, माइक्रोस्कोपिक लेवल के टंगस्टन फिलामेंट है, बड़े नहीं है, माइक्रोस्कोपिक साइज के टंगस्टन के फिलामेंट होता है, उसका बम्बारमेंट बम्बारी करेंगे किसी पर्टिकुलर सेल के ऊपर तो वो टंगस्टन और गोल्ड के जो पार्टिकल्स होते हैं जिस तरीके से गन से बुलेट निकलती है उसी तरीके से एक होस्ट सेल के अंदर एंट्री कर जाएंगे और अपनी जीन को भी ट्रांसफर कर देते हैं। इतना सही मेथड होता है इसके अंदर, और कोई लंबा चौड़ा नहीं, आराम से समझेंगे, समझ में आ जाएगा। दिस मेथड वाज इन्वेंटेड बाय द जॉन सी सैनफोर्ड एंड नेल्सन एलन ऑफ द कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। ये जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस टेक्निक को बनाया था, तो इनके सम्मान में हमें इनका नाम याद रखना चाहिए। जब भी हम आंसर लिखें तो अगर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है तो इनके नाम जरूर लिखना चाहिए, चाहे एग्जाम में इसके बारे में पूछा ना पूछा हो, क्योंकि साइंटिस्ट ने इतनी डिस्कवरी की है जिसका हम उपयोग करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, तो सम्मान बनता है, नाम हमें पता होना चाहिए। तो जॉन सी सैनफोर्ड और नेल्सन एलन फ्रॉम द कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। गन कैसे होती है, प्रोसीजर कैसा होता है, उसको समझते हैं हम पहले। यहाँ पर देखिए वैसे ही हिट एंड ट्रायल करते हैं अपने। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक सेल है, ये पर आ गई एक सेल,
इस तरीके से हमने ड्रॉ कर देते हैं, सेल हो गई। सेल में क्या होगा, एक होता है न्यूक्लियस, एंड वी ऑल नो दैट द न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम्स, मींस द न्यूक्लियस होल्ड द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ए सेल, ठीक है। और यहाँ पे मैं दो और सेल ऑर्गेनेल बना देता हूँ एक बार के लिए, एक तरफ बना देता हूँ मैं माइटोकॉन्ड्रिया, सिंबॉलिक फॉर्म है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, और उसके अलावा एक बना देते हैं अपने प्लास्टिड, ये बना दिया मैंने प्लास्टिड बना दिया है, प्लास्टिड नाम लिख देते हैं पहले यहाँ पे, ये लिखा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का नाम इधर कर दें, ये हो गया न्यूक्लियस, और ये वाला क्या है प्लास्टिड, प्लास्टिड्स, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, आपने नाम सुना हुआ है, हरित लवक होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। इस डायग्राम में मैंने तीन ही और सेल ऑर्गेनल क्यों बनाए, क्योंकि ये जो मेथड काम आता है, डीएनए की डिलीवरी किस में कर सकता है, न्यूक्लियस में भी कर सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड में भी, इसलिए मैंने यहाँ पर ये तीन सेल ऑर्गेनल बनाए, बाकियों की आवश्यकता नहीं है इस टॉपिक के अंदर, इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जरूरत नहीं है। वी ऑल नो दैट द माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स इट्स ओन डीएनए मॉलिक्यूल, ओके, और द माइटोकॉन्ड्रिया इज द डबल लेयर्ड सेल ऑर्गेनल। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, दोहरी झिल्ली होती है, सेल ऑर्गेनल होते हैं, दो झिल्लियाँ होती है, डबल लेयर्ड है, और दोनों झिल्लियों के बीच में क्या होता है, मैट्रिक्स भरा रहता है, द मैट्रिक्स इज फाउंड इन बिटवीन द द बोथ मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर डीएनए इज फाउंड इन द मैट्रिक्स। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम क्या बोलते हैं, क्या होता है, इसका खुद का डीएनए होता है, डीएनए होता है, कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, इनटू द मैट्रिक्स, इसका जो मैट्रिक्स है इसमें एक डीएनए होता है, उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे टॉपिक के अंदर। सिमिलरली ये जो प्लास्टिड होते हैं इसमें भी क्या होता है, डीएनए, ठीक है ना, इसका ओन डीएनए, खुद का एक डीएनए मॉलिक्यूल है, और न्यूक्लियस में तो डीएनए होगा ही होगा, कन्फर्म बात है। ये हमारे पास में है वो सेल जिसको हमने फायर करना है, जिसके ऊपर फायर करना है, वो है। अब इसकी हम बना देते हैं एक गन, यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पर बना देते हैं हमने गन, सिंप्लीफाइड गन बना रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि वो गन जो ओरिजिनली जो हम कहें इनका डायग्रामेटिकली वैसा हो, सिंबॉलिक फॉर्म में हम गन को बना रहे हैं। बाकी मैं इसका आपको फोटो आपको बता दूंगा कि किस तरीके से ये गन होती है, ओरिजिनल गन है वो किस तरीके से होती है। हमें यहाँ पर ये डायग्राम बनाया है इसके मैकेनिज्म को समझने के लिए, इसके मैकेनिज्म को समझना है। यहाँ पे बोर्ड पे डायग्राम बनाना थोड़ा सा ठीक रहता है, आप इजीली इन चीज़ों को फिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चॉक, है ना, तो आप एग्ज़ाम में पेंसिल कलर काम में ले सकते हैं, इन डायग्राम्स को बनाने के लिए पेंसिल कलर को काम में ले सकते हैं। इस तरीके से हमने एक सिंबॉलिक बना दी है जीन गन, ठीक है ना, ये है जीन गन। अब गन को फायर करना है तो आपको पावर चाहिएगी, पावर कहाँ आएगी, प्रेशर से, एयर का प्रेशर, तो इसमें क्या होगा, हीलियम गैस को काम में लेते हैं, हीलियम गैस, यहाँ पे पंप बना हुआ है, हीलियम के ये पार्टिकल्स है, ये किसके पार्टिकल्स है, हीलियम के, तो हीलियम बना हुआ है इसके अंदर, है ना, हीलियम, यहाँ पर इसका नाम लिख देते हैं अपने हीलियम, हीलियम गैस को काम में लेते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हीलियम गैस को ही काम में क्यों लेते हैं, हम जानते हैं आपने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, हीलियम एक इनर्ट गैस होती है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, जिनोन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, दीज आर द नोबल गैसेज हैं, तो ये इनर्ट गैस है, ये इररिएक्टिव है, इसलिए हमको काम लेते हैं, और नॉन एक्सप्लोजिव गैस है, इंपॉर्टेंट ये कहें तो ये गैस कैसी है, ये होती है नॉन एक्सप्लोजिव गैस है, नॉन एक्सप्लोजिव गैस है, तो ये गैस है, हीलियम गैस को काम में लेंगे, और इसका हम क्या जनरेट करेंगे, हाई प्रेशर, इसका हम क्या करेंगे, हाई प्रेशर को जनरेट करेंगे, और यहां से एक अपने प्लेट लगा रखी है जिसका नाम है रप्चर प्लेट या रप्चर डिस्क कहते हैं इसको, यहां पे आगे की तरफ यहां पर क्या है, एक डिस्क है, इसका नाम है रप्चर डिस्क, ये है रप्चर डिस्क है, ये वाली आगे की प्लेट है, इसका नाम है रप्चर डिस्क है। रप्चर का मतलब ये होता है पंचर होना, रप्चर होना, फट जाना, जब यहाँ पर गैस का बहुत ज़्यादा प्रेशर बना देंगे तो क्या होगा, ये रप्चर डिस्क है वो फट जाती है, ठीक है। और इसमें बुलेट के रूप में हमें काम क्या ले रहे हैं, टंगस्टन के फिलामेंट काम पर ले रहे हैं, तो हमने कहा कि जब हमने क्या किया, हाई प्रेशर क्रिएट किया,
हमने क्या किया, इसमें हाई प्रेशर को क्रिएट किया। हाई प्रेशर इज क्रिएटेड, जब हमने हाई प्रेशर को क्रिएट किया, क्रिएट करने से क्या हुआ, जो रप्चर डिस्क है, रप्चर की जो डिस्क है वो क्या हो गई, ब्रोकन डाउन, ये टूट करके अलग हो गई। हाई प्रेशर क्रिएट किया, क्रिएट करने से क्या हुआ, ये जो रप्चर जो डिस्क है वो ब्रोकन डाउन हो गई, टूट गई है, और उससे फिर क्या हुआ, फायरिंग हो गई है, फायरिंग, फायर हो गया, क्या हो गए हैं, गोल्ड या हम कह दें टंगस्टन के पार्टिकल्स, जिस पे क्या लगा हुआ था, जिस पे लगा हुआ था लेबल्ड विद जीन, लेबल्ड विद जीन, या हम कह दें डीएनए का सेगमेंट। तो यहाँ से बॉम्बार्डमेंट शुरू हुआ, बॉम्बार्डमेंट, ये टंगस्टन या गोल्ड के जो पार्टिकल्स हैं इन्होंने फायर हुआ, और कैसे चलेंगे, ये चलने लगे इधर, फायरिंग शुरू हो गई है, बॉम्बार्डमेंट शुरू हो गया है, और ये एंट्री कर जाएंगे न्यूक्लियस में। तो ये क्या है, मैं बता देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, गोल्ड या टंगस्टन, टंगस्टन के क्या है, पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स है इस तरीके से बने हुए। एक बार और देखो, यहाँ पे ये है गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल है, और इसके साथ में आपने अटैच्ड किसको कर रखा है, डीएनए मॉलिक्यूल, ये है डीएनए सेगमेंट्स, डीएनए सेगमेंट्स कह दो, या हम इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, जीन है। तो इसका जब बॉम्बार्डमेंट करेंगे, तो आपने क्या, हाई प्रेशर को क्रिएट किया, तो रप्चर डिस्क है वो फट गई है, टूट गई है, और यहाँ से गोल्ड और प्लेट टंगस्टन के जो पार्टिकल्स है उनका बॉम्बार्डमेंट शुरू हुआ। अगर आपने न्यूक्लियस में डालें तो न्यूक्लियस में कर सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी एंट्री करा सकते हैं, और प्लास्टिड के अंदर भी इस तरीके से जीन की डिलीवरी कर सकते हैं। ये मेथड केवल जीन की डिलीवरी में नहीं काम आता, ये ड्रग डिलीवरी में भी काम आ जाता है ना, साइट डायरेक्टेड ड्रग डिलीवरी में भी काम आता है, इसलिए मेथड काम का, एनिमल्स में भी काम आता है, प्लांट्स में तो इसको बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं, ये मेथड काम आता है। ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो पहली बार किया था, उन्होंने तो किया था प्याज की जड़ में, ओनियन सेल थे, इन्होंने किस पे काम किया था, ये मेथड काम में लिया था, ऑनियन सेल, ठीक है ना। ऑनियन सेल क्यों ली थी इसने, क्योंकि ये लार्ज साइज की सेल्स है, लार्ज साइज की सेल है, इसलिए ये जो साइंटिस्ट है, कौन, जॉन सैनफोर्ड एंड नेल्सन एलन है, इन्होंने तो अनियन की सेल के ऊपर काम में लिया था, बॉम्बार्डमेंट किया था, द फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवरी की थी तब, है ना। तो ये अपने पास में कुछ इसकी इम्पोर्टेंट। अब बात आती है, एक और इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ हमने कहा स्पीड क्या होगी, ये जो बॉम्बार्डमेंट हो रहा है इसकी स्पीड की बात करें, स्पीड कितनी स्पीड से इस पार्टिकल्स को बॉम्बार्डमेंट किया जाएगा, लगभग हम कहते हैं 400 फीट पर सेकंड की स्पीड से बॉम्बार्डमेंट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछ लेते हैं, इसलिए हमें ध्यान होना चाहिए। और ये जो पार्टिकल्स हैं इनका साइज कितना होता है, साइज किसका, इन पार्टिकल्स का, ये होता है 1 से 2 माइक्रोन, इतने स्मॉल साइज के गोल्ड या टंगस्टन के पार्टिकल्स होते हैं, इनका साइज, ये स्पीड की हमने बात कर दी है। अब हम बात कर लेते हैं इस मेथड है, इसका एडवांटेज क्या रहा है, जैसे आपने बीटी कॉटन नाम सुना हुआ है, बीटी मक्का, इसका फॉर्मेशन इसी मेथड से किया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं एडवांटेज लिख देता हूँ इस मेथड के, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, राइट एडवांटेजेज, एडवांटेजेज ऑफ दिस मेथड, सबसे पहला इससे क्या बनाया गया था, इसे जनरेट किया गया था बीटी मक्का को, डेवलप्ड है ना, डेवलप्ड बाय दिस मेथड इसको डेवलप किया गया था, और हमने ये भी साथ में अभी बता ही दिया था, यूजफुल फॉर किसके लिए, ये दिस मेथड इज आल्सो यूजफुल फॉर माइटोकॉन्ड्रिया एंड द प्लास्टिड्स, वी कैन इंजेक्टेड द डीएनए मॉलिक्यूल और द जीन्स
बाय द जीन गन इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया द प्लास्टिड है। तो ये इसके हैं, हम कहते हैं एडवांटेजेस हैं, कुछ लिमिटेशंस भी होती है, उसकी भी बात कर लेते हैं। पहला लिमिटेशन तो ये है, इस मेथड से जब आप किसी सेल्स पर डालेंगे, बहुत सारी सेल्स के, तो सेल का डैमेज ज़्यादा होता है ना, तो डैमेज ज़्यादा होता है। डीएनए की डिलीवरी होती है वो रैंडमली होती है, ये इसकी लिमिटेशंस है। ये हम बात करें इनके, इस मेथड के लिमिटेशंस की बात करें तो इसकी लिमिटेशंस क्या है। पहली बात तो होता है, हम यहाँ सिंपल लैंग्वेज में लिख दें, सरल सा लिख दें, मोर सेल डेथ, डेथ कह दें, डैमेज कह दो, एक ही बात है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, डीएनए की डिलीवरी, डीएनए की जो डिलीवरी होती है वो रैंडम होती है, यादृच्छिक, पर्टिकुलर एग्जैक्ट जो साइट आते हो उस साइट के ऊपर ना हिट करके आसपास में जाती है, रैंडमली हो जाती है। दूसरा, एक्सपेंसिव तो है ये मेथड, ठीक है ना, एक्सपेंसिव मेथड है ये। ये मेथड कैसा है, ये मेथड होता है एक एक्सपेंसिव मेथड है, तो ये महंगा तो है ही, इसलिए भी ये इसके एक लिमिटेशन है, हर जगह ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरा क्या होता है कि जो टिश्यू जब डैमेज हो जाते हैं तो उसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी कम होती है, नॉन रीजनरेबिलिटी होती है, इसलिए भी ये दिक्कत आती है। तो ये अपना मेथड हो गया किसका, जीन गन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। एग्जाम में इसी तरीके से आप लिख के आएंगे, सारे पॉइंट्स टू पॉइंट लिख के आएंगे कि जीन गन मेथड क्या होता है। जीन गन इज ए मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डीएनए इनटू द सेल। उसके बाद कहते हैं हु डिस्कवर्ड दिस मेथड, तो हम कहेंगे जॉन एस सैनफोर्ड, नेल्सन एलन डिस्कवर्ड दिस मेथड इन द कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड ही वर्कड ऑन अनियन सेल पे बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज ऑफ सेल। दिस मेथड इज वेरी यूजफुल बिकॉज इट कैन डिलीवर ए जीन इन टू द न्यूक्लियस एज वेल एज इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द प्लास्टिड एज शोन इन द फिगर। ये है एक इसकी जीन गन है। जीन गन में कौन सी गैस होती है, हीलियम गैस होते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस हीलियम गैस, तो हम कहेंगे नॉन एक्सप्लोजिव गैस होती है, विस्फोटक नहीं है, हाई जीन प्रेशर इसमें क्रिएट कर देंगे हम, और नॉन रिएक्टिव तो है ये गैस, और यहाँ पर एक रप्चर डिस्क होती है, प्रेशर को बढ़ाएंगे, रप्चर डिस्क है वो ब्लास्ट हो जाएगी, गोल्ड पार्टिकल्स से वो फायर करेंगे। द साइज ऑफ द गोल्ड इन द टंगस्टन पार्टिकल्स इज द 1 to 2 micron, देन दिस पार्टिकल्स आर लेवल्ड विद द डीएनए सेगमेंट्स और द जीन एंड दिस बोमबार्डमेंट इज टेकिंग प्लेस एट द स्पीड ऑफ 1400 feet per second होता है, तो ये एंट्री कर जाएगा एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये मेथड आ गया है। अभी हमने जीन के डिलीवरी के जो मेथड पढ़े हैं उसमें पहला था ट्रांसफॉर्मेशन का, प्रीवियस वीडियो में आ चुका है, उसके बाद में था माइक्रो इंजेक्शन, प्रीवियस वीडियो में आ चुका है, नंबर 3 था इलेक्ट्रोपोरेशन, वो भी प्रीवियस वीडियो में, और ये फोर्थ मेथड है फॉर द जीन डिलीवरी एंड दिस इज द जीन गन और द बायोलिस्टिक मेथड और द माइक्रो प्रोजेक्टर बोमबार्डमेंट। एंड द फिफ्थ इंपॉर्टेंट मेथड इज डिसआर्म्ड पैथोजन। डिसआर्म्ड पैथोजन की डिटेलिंग मैं यहाँ नहीं दे रहा हूँ क्योंकि टीआई प्लाज्मिड की डिटेल अपने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में आ चुकी है, जहाँ टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड है, उसमें टीआई प्लाज्मिड के बारे में पूरी डिटेल दे रखी है कि टीआई प्लाज्मिड क्या काम आता है और उसको डिसआर्म्ड करके कैसे काम करते हैं। तो अभी मैं इसको अलग से टॉपिक नहीं डालूंगा कि डिसआर्म्ड पैथोजन क्या होते हैं, वो ऑलरेडी मेंशनड है प्रीवियस वीडियोज के अंदर, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं।